हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कौशल आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में ये जो इंडिकेटर हैं आपकी बाइक में लगे होते हैं, मैं आज आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा कि आपकी जो बाइक है उसमें कितनी तरह के फॉल्ट आते हैं। उसमें दोस्तों आमतौर पर फॉल्ट तो काफ़ी आते हैं, लेकिन मैं आपको चार फॉल्टों के बारे में दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप अपनी बाइक के इंडिकेटर खुद कैसे घर पर रिपेयर कर सकते हैं और अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं पहले फॉल्ट की, जो इस स्विच की वजह से ऑन ऑफ जो आपका इंडिकेटर स्विच है उसकी वजह से ये फॉल्ट आता है। दोस्तों, इसमें कई बार कार्बन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम इसका लेफ्ट साइड का इंडिकेटर चलाते हैं तो वो चल जाता है, लेकिन जो राइट साइड का इंडिकेटर है वो नहीं चलता। ठीक है दोस्तों इस स्विच के अंदर कार्बन आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस स्विच को आप ओपन करें। ठीक है दोस्तों, स्विच खोलने के बाद देखिए दोस्तों आपको जो है इसमें काफ़ी जंग दिखाई दे रहा होगा। इस स्विच के अंदर काफ़ी जंग लग गया है, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड का जो इंडिकेटर है उसको तो चला रहा है, लेकिन जो राइट साइड का इंडिकेटर है उसको नहीं चला रहा है। कभी कभी ये किसी भी साइड का इंडिकेटर नहीं चलाता। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादातर मिस्त्री दोस्तों इसके स्विच को बिना खोले ही इसमें ऑयल दे देते हैं साइड से, लेकिन दोस्तों जहाँ पर इसमें तेल जाना होता है वहाँ तेल नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको अब इसमें दिखाऊंगा कि आप कहाँ पर तेल डालें इस स्विच में, जिससे आपका जो स्विच है वो ठीक हो जाए और आपको नया स्विच न डलवाना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जल रहा है, लेकिन जो राइट साइड का है वो नहीं जल रहा। तो दोस्तों अब आपको तेल इसमें यहाँ डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए जहाँ पर ये जो इंडिकेटर के जो कनेक्शन हैं वो लगे होते हैं और जो इसमें जो पत्तियाँ लगी होती हैं जो इन इंडिकेटर को चलने में मदद करती हैं उन पर कार्बन आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस स्विच में दोनों साइड में ऑयल डाल दें। ठीक है दोस्तों, आप मोगेल का इस्तेमाल करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अब ये है जो स्विच जो इंडिकेटर हैं वो दोनों साइड में चलने लगा है, क्योंकि दोस्तों उसके ऊपर जो कार्बन था वो उतर चुका है। ठीक है दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स अब ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करने लगा है, राइट साइड का इंडिकेटर जो पहले नहीं चल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही दोस्तों आप इसको स्विच को ठीक कर सकते हैं और आप नया स्विच डालने से बच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों अब चलते हैं जो हमारा दूसरा फॉल्ट है वो क्या होता है। तो दोस्तों जो दूसरा फॉल्ट है वो जो अंतर आता है, देखिए दोस्तों आपकी जो न्यूट्रल बत्ती जल रही है, लेकिन जो आपका इंडिकेटर है वो कोई सा भी नहीं जल रहा है। ठीक है दोस्तों, ना वो राइट साइड जल रहा है और जो वो बत्ती है वो जल रही है, इसका मतलब है कि आपके बैटरी कनेक्शन सही है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी जो राइट साइड की शील्ड है उसको खोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये जो इंडिकेटर रिले लगा है, ठीक है दोस्तों इसका ये चेक करेंगे कि ये ख़राब है सही है। इसे चेक करने का तरीका है दोस्तों, इसकी जो दो तारे हैं इस पे जो लगी हैं उनको आपको आपस में मिला देना है, चाहे आप एक तार का टुकड़ा लें या फिर एक चिमटी लें। ठीक है दोस्तों, यदि आपके पास चिमटी नहीं है तो आप एक तार का टुकड़ा लें और इन दोनों तारों को आपस में मिला दें और चेक करें इंडिकेटर चलाया नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आपका इंडिकेटर चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अब वो कट नहीं मार रहा, क्योंकि जो आपका ये जो फ्लैशर है, ये रिले है, वो ख़राब है। पर ऐसे आप डायरेक्ट करके ये पता कर सकते हैं कि आपका जो रिले है वो सही है या ख़राब है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं, ये बाइक कोई भी हो, बजाज की हो या फिर हीरो की बाइक हो, सभी बाइकों में एक जैसा ही रिले लगा होता है और उसका यही काम होता है आपके जो इंडिकेटर हैं उनको चलाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों अब मैं आपको नया रिले लगा के दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स अब आप पुराना रिले इसमें से निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें नया रिले लगा देंगे और अब अपने इंडिकेटर चेक करेंगे कि वो कट लगा रहे हैं या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अब वो आपका जो इंडिकेटर है वो कट लगाने लगा है और आपके इंडिकेटर चलने लगे हैं। तो इस तरह दोस्तों आप इसको खुद चेक कर सकते हैं डायरेक्ट करके कि आपका जो इंडिकेटर फ्लैशर है वो सही है या नहीं। ठीक है,
जो दोस्तों तीसरा फॉल्ट है वो देखिए आपके सामने, आपका जो राइट साइड इंडिकेटर है वो कट लगा रहा है, दोनों इंडिकेटर चल रहे हैं, पिछला इंडिकेटर भी और अगला इंडिकेटर भी, लेकिन जो आपका लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है वो जल रहा है अगला भी, ठीक है दोस्तों, और वो इंडिकेटर पिछला भी जल रहा है, लेकिन दोस्तों ये कट नहीं लगा रहा। तो दोस्तों इसके दो तरीके हैं इसको ठीक करने के। पहला तरीका तो जो है वो थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, आप वीडियो पूरा देखिए कि आप इसको आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप अपनी जो बाइक है उसका फ्लैशर चेंज करके इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो फ्लैशर है इससे आपके दोनों इंडिकेटर अच्छे तरीके से जलने लगेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको इसमें नया रिले लगा कर दिखाता हूँ, ये आपके जो चारों इंडिकेटर हैं वो सही तरीके से कट लगाते हैं नहीं, क्योंकि इस समय आपका जो लेफ्ट साइड का वो जल रहा है इंडिकेटर आपके, लेकिन कट नहीं लग रहा। तो मैं आपको अब नया रिले लगा के दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने लगा दिया है, अब इंडिकेटर चेक करते हैं। देखिए दोस्तों आपका जो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है वो चलने लगा है। तो ज़्यादातर मिस्त्री यही करते हैं, आपका जो रिले है वही चेंज कर देते हैं, लेकिन दोस्तों अब सोचने वाली बात है कि ये रिले वाकई में ख़राब है। तो दोस्तों मैं आपको सच बताता हूँ, आपका जो रिले है वो ख़राब नहीं है, ठीक है दोस्तों, आपका रिले सही है, आप इसमें पुराने रिले वापस लगा दें। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे आप इसको सस्ते में काम चला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप अपना पुराना रिले वहीं लगा दें, ठीक है फ्रेंड्स। अब चेक कीजिए आपका राइट साइड का इंडिकेटर जल रहा है, लेकिन लेफ्ट का कट नहीं लगा रहा। तो दोस्तों आप इसको सस्ते में ठीक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप देखिए आपने जो इंडिकेटर नहीं कट मारा उनको देखिए, अगला इंडिकेटर पूरा तेज जल रहा है, लेकिन जो पिछला इंडिकेटर है दोस्तों इसका वो थोड़ा धीमा जल रहा है। तो दोस्तों इसमें जो फॉल्ट है वो यहीं से आता है, मैं आपको ठीक करके दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ज़्यादातर मिस्त्री फ्लैशर या रिले को चेंज कर देते हैं और थोड़े पैसे कमा लेते हैं, लेकिन दोस्तों आप इसको सस्ते में ठीक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको इसका जो इंडिकेटर ओपन करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, और सरेंडर मैं आपको इसका जो बल्ब है वो चेंज करके दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों हो सकता है जो इसमें बल्ब है वो ख़राब हो गया है और जो आपका रिले है वो कट नहीं लगा रहा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एक रिले को कट लगाने के लिए कम से कम 20 वाट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक बल्ब इसका 10 वाट का होता है इंडिकेटर का, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो शायद हो सकता है इस समय 15 वाट हो रहा हो। देख दोस्तों इस इंडिकेटर के बल्ब को आप बाहर निकाल लें, ठीक है फ्रेंड्स। अभी ये कट नहीं लगा रहा, लेकिन मैं अब इसमें दूसरा बल्ब चेंज करता हूँ, देखिए देखिए फ्रेंड्स मैंने बल्ब चेंज किया और आपका इंडिकेटर दोबारा कट लगाने लगा। देखा फ्रेंड्स आपने कितने सस्ते में काम चला लिया, यदि आप फ्लैशर चेंज करते तब भी आपका इंडिकेटर चलता, लेकिन दोस्तों मैंने इसको आपको सस्ते में ठीक करके दिखा दिया। आप इंडिकेटर का जो बल्ब है वो चेंज करके भी ये समस्या दूर कर सकते हैं, यदि आपका एक साइड का इंडिकेटर कट मार रहा है लेकिन दूसरी साइड का जो इंडिकेटर है वो कट नहीं लगा रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको सिर्फ ये बल्ब चेंज करना है, देखिए दोस्तों आपको फ्लैशर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी आपने। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं चौथी फॉल्ट की तरफ। देखिए दोस्तों आप यदि घर पर खुद इंडिकेटर लगाते हैं, जैसे आपकी बाइक ख़राब हो गई और आपने खुद लगाए, लेकिन आप देखते हैं आपने लेफ्ट बटन प्रेस किया है और आपका इंडिकेटर जो जल रहा है वो राइट साइड का जल रहा है। तो इसको दूर ठीक करने के लिए दोस्तों आपके जो यदि अगले इंडिकेटर में फॉल्ट है, ठीक है दोस्तों, यदि आपके अगले इंडिकेटर गलत जल रहे हैं, तो आपके जो इंडिकेटर के जो पॉजिटिव पॉइंट हैं, ठीक है दोस्तों, उसमें दो तारे नेगेटिव हैं हरे रंग की और दो तारे हैं संतरी और एक ग्रीन कलर की, ठीक है दोस्तों, ऑरेंज कलर की तार को आप, ठीक है दोस्तों, जहां पहले लगी थी उसकी दूसरी साइड में लगाएं, ठीक है दोस्तों, और जो आपकी ब्लू तार है उसको आप उस दूसरी साइड में लगाएं जहां यह पहले लगी हुई थी वहां ना लगाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप चेक करेंगे आपके इंडिकेटर ठीक हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स।